धनबाद जिले के बघमारा थाना क्षेत्र माठीगढ़ हाट मेन कॉलोनी में रहने वाले जनता मजदूर संघ केंद्रीय उपाध्यक्ष रामगोपाल मिश्रा के घर में अज्ञात अपराधियों ने बुधवार को देर रात हमला कर दिया। अपराधियों ने मजदूर नेता के घर में पथराव किया। घर से बाहर खड़ी एम्बुलेंस को अपराधियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बीसीसीएल ब्लॉक 2 में टेंडर के माध्यम से चलाने 3 नए एम्बुलेंस की मजदूर नेता द्वारा लाकर रखा गया था। घटना से मजदूर नेता व उनका पूरा परिवार दहशत में है। वहीं मजदूर नेता ने बघमारा थाना में लिखित शिकायत देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पाकर पुलिस मजदूर नेता के घर जांच करने पहुंची। वहीं मजदूर नेता ने कहा कि बुधवार देर रात 11 बजे अपराधियों ने घर पर हमला पथराव किया। घर के बाहर खड़ी 3 नए एम्बुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में लगे एसी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तीनों एम्बुलेंस बीसीसीएल ब्लॉक 2 में टेंडर के माध्यम से चलाने के लिए स्वीकृत हुआ था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी बड़े लोगों की साजिश है। अपराधियों की मंशा केवल वाहनों को क्षतिग्रस्त करना नहीं था, घर पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े। वहीं पुलिस ने कहा मजदूर नेता द्वारा शिकायत किया गया था कि उनके घर पर हमला किया गया, जिसकी जांच करने पहुंचे हैं। कल रात 11 बजे के लगभग पथराव हुआ है और नया गाड़ी बाहर खड़ा था, सबको डैमेज कर दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया, शीशा तोड़ दिया गया। घर पर जो हमला हुआ उसे दरवाज़ा खिड़की एसी फेसी सब क्षतिग्रस्त हुआ। और उन लोगों की मंशा थी कि यह हमला करने के बाद जब मालिक घर से बाहर निकले या मैं निकलूँ तो हमारे ऊपर भी हमला करता, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकला, जिसके चलते मैं बच पाया। कैसा गाड़ी है, कौन सा गाड़ी? जिसमें गाड़ी टाटा का है, टाटा विंगर है, 3 है, जो ब्लॉक 2 एरिया एम्बुलेंस में चलने के लिए 1 तारीख से परमिटेड है, टेंडर में आया है। ये जो हुआ है, कहीं ना कहीं कोई सज्जन है जो मेरे सुख से दुखी हैं और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है मुझको परास्त करने में, डैमेज करने में, और क्या कहा जा सकता है। क्या करते हैं आप? मैं वर्तमान में जनता मोर्चा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बीसीसीएल केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य हूँ और ब्लॉक 2 बरोरा का एसीसीसी मेंबर हूँ। और वो 3 गाड़ी जो है एम्बुलेंस, वो टेंडर में चलने के लिए आए? जी, ब्लॉक 2 एरिया में चलने के लिए आए। कहीं ऐसा तो नहीं वो गाड़ी आया जो इसके कारण कोई दुश्मन है? हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एम्बुलेंस को डैमेज करता, घर पर पथराव करने का इंटेंशन समझ में नहीं आया, क्योंकि घर तो नया नहीं आया है। फायरिंग की भी बात आ रही है, आसपास के लोग, आसपास का एक सज्जन रोड से पार कर रहा था, उसको रिवॉल्वर सटा के बोला कि तुमको गोली मार देंगे, आप फायरिंग करके तब चला गया। कितने बजे घटना है? 11 बजे रात्रि के लगभग की घटना है। अभी आपका क्या आगे कर रहे? आगे मैं पुलिस के पास आया हूँ, प्राथमिकी दर्ज कराऊँगा और जो संवैधानिक चाहिए उसी के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया होगी, इसमें और क्या किया जा सकता है। कौन लोग हो सकते हैं, कोई नाम भी दे रहे हैं? नहीं, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है कौन लोग हो सकते हैं, चूँकि मेरा संबंध सबसे मधुर रहा है, किसी से मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं रहा है। पुलिस से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमलावर को खोजिए, नहीं तो लोगों का समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक दहशत में माहौल में तब आप? हाँ, मेरा पूरा परिवार दहशत में है। गोपाल मिश्रा के द्वारा दिया गया कि मेरे घर में अज्ञात मुँह बंद लोगों द्वारा पथराव किया गया और एम्बुलेंस का शीशा तोड़ लिया गया है। हम लोग जांच में पहुंचे हुए हैं और जांच के दौरान आगे कार्रवाई की जाएगा। क्या आप कुछ जानकारी दिए हैं कि कौन लोग थे, कुछ संदिग्ध? वैसा संदिग्ध ही लोगों का जानकारी दी है, कोई जानकारी किसी का नहीं, पहचान नहीं की है। कुछ फायरिंग की भी बात आ रही है? फायरिंग की बात तो मुझे ऐसा मालूम नहीं है।